आम इंतखाबात के लिए पोलिंग कल होगी। वोटर्स के लिए फैसला करने और सोचने समझने के लिए सिर्फ एक दिन का वक्त। पोलिंग अमले को सामान की तरसील जारी। इंतखाबात में 12 करोड़ 85 लाख से ज्यादा वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। 855 हलकों से उम्मीदवार मुंतखब होंगे। वोट के लिए असली शनाख्ती कार्ड लाजमी। जायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड पर वोट डाला जा सकेगा। वोटर्स पोलिंग स्टेशन की मालूमात के लिए अपना कौमी शनाख्ती नंबर 8300 पर SMS भेजकर भी हासिल कर सकते हैं। मुख्तलिफ शहरों में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका फ्लैग मार्च। इलेक्शन के पुरम में इनेकाद के लिए कई शहरों में पाक फौज के दस्तों ने इलेक्शन ड्यूटी संभाल ली। मुल्क भर में 16,766 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास, 29,985 हसास करार। हसास तरीन पोलिंग स्टेशन के बाहर फौज तैनात होगी। प्रिजाइनिंग अफसरान को मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियार हासिल। जितना कर सकते थे कारोबारी शख्सियात के लिए वो किया। निगरान वज़ीर-ए-आला का पंजाब चैम्बर्स कमेटी से खिताब। मोहसिन नकवी ने कहा कि ताजरों को मजीद सहूलियात देने के लिए ऐप तैयार कर रहे हैं। ताजरों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने की कोशिश की। ताजर बरादरी के लिए हर शहर में सहूलियात सेंटर कायम किए। इंडस्ट्रियल एरियाज के मसाइल को हल किया। ताजरों ने वज़ीर-ए-आला को अपने मसाइल और तजावीज़ से आगाह किया। वज़ीर-ए-आला पंजाब का लाहौर में रात गए जेल रोड का दौरा। सिम्स लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर प्रोजेक्ट और ज़ेरे तामीर पुलिस खिदमत मरकज़ शादबान का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी का सिम्स लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट को 10 रोज में मुकम्मल करने का हुक्म। वज़ीर-ए-आला की पुलिस लाइन्स कला गुजर सिंह में डे केयर सेंटर का इफ्तिताह भी कर दिया। सेंटर में बच्चों के लिए फ्राहम करदा सहूलतों का जायजा लिया। मोहसिन नकवी का DIG इन्वेस्टिगेशन के दफ्तर से मुलहिका पुलिस फ्लैट्स का भी दौरा। जहानिया के करीब रेलवे स्टेशन मर्जीपुरा के करीब मालगाड़ी की 5 बोगियां पटरी से उतर गईं। ट्रेन लाहौर से कराची जा रही थी। हादसे के बाद ट्रैक टूट गया। अप डाउन ट्रैक मौतल, ट्रेनें ताखीर का शिकार। वफाकी काबीना का गंदम की दरामद बंद करने का फैसला। काबीना ने सरकारी सतह पर गंदम की दरामद रोकने की मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना ने ECC के 1 फरवरी के फैसले की मंजूरी। गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी ना रुकी। इसराइल के वैशियाना हमले जारी। इसराइली फौज का दीर अलबलाह में एक गोदाम और रफा में एक घर पर हमला। सियोनी फौज ने जबालिया में घर पर बम बरसाकर मजीद 20 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। खान यूनस में अलहानवी स्कूल में मौजूद बेघर फलस्तीनियों पर भी रॉकेट दाग दिए। सियोनी फौज की बमबारी से गजा में 24 घंटों में मजीद 107 फलस्तीनी शहीद हो गए। शहदा की मजमू तादाद 27,580 से जायद हो गई। 66,000 जख्मी। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने इसराइल को 17.6 बिलियन डॉलर की फौजी इमदाद का बिल मुस्तरद कर दिया। बिल की हिमायत में 250 वोट आए। ऐवान में 2/3 अक्सरियत न मिलने पर बिल को मुस्तरद कर दिया गया। फास्ट ट्रैक के लिए बिल की मंजूरी के लिए 2/3 अक्सरियत जरूरी थी। बिल में यूक्रेन की इमदाद और सरहद की सिक्योरिटी के लिए भी रकम मुख्तस थी। चिली के जंगलात में लगी आग पर ताहाल काबू ना पाया जा सका। हलाकतों की तादाद 131 हो गई। 300 से ज्यादा अफराद लापता। चिली के सदर गैब्रियल बोरेक का कहना है कि हौलनाक आग के बायस 3,000 के करीब घर जमीन बोस हुए। 9,200 के करीब घराने इस आग के बायस मुतासर हुए। चिली के साबिक सदर सेबेस्टिन पिनेरा हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक हो गए। वजीर दाखिला कैरोलिना ने साबिक सदर की हलाकत की तस्दीक कर दी। हेलीकॉप्टर में सेबेस्टिन समेत 4 मुसाफिर सवार थे। सेबेस्टियन 2010 से 2014, 2018 से 2022 तक चिली के सदर रहे। कराची में रिमझिम से शहर का मौसम खुशगवार। नर्सरी सदर ओल्ड एरिया II चंद्रीगढ़ रूट पर बारिश। पंजाब में कहीं बारिश कहीं बादलों का बसेरा। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। ज़ियारत में बर्फबारी के बाद हरसू सफेदी। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज मजीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान।
अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत नवीं मरतबा फाइनल में पहुंच गया। पहले सेमीफाइनल में भारत ने जनूबी अफ्रीका को 2 विकेटों से हरा दिया। सचिन दास ने 94 और उदय सहारा ने 81 रन की इनिंग्स के जरिए टीम की जीत में अहम किरदार अदा किया। बिरौनी में खेले गए इवेंट के पहले सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 7 विकेटों पर 244 रन बनाए। मालम जब्बा सवात में 2 रोज़ा विंटर फेस्टिवल, बर्फबारी के दौरान बड़ी तादाद में सियाहों ने वादी का रुख कर लिया। फेस्टिवल में बैडमिंटन, वॉलीबॉल, टग ऑफ वॉर, टेबल टेनिस के मुकाबले शामिल थे। इलेक्शन की सबसे बड़ी और तेज तरीन कवरेज 24 न्यूज़ पेश कर रहा है इंतखाबात से जुड़ी तमाम खबरें। वर्चुअल, फिजिकल और इलेक्शन सेल से एक ही वक्त में लाइव कवरेज, 24 न्यूज़ का मुनफरिद अंदाज सबको भा गया। हकाइक की बुनियाद पर सियासी सूरत हाल की दुरुस्त पेश गोई, तज्जिये, तबसरे और खसूसी नशरियात जरा हट के। पोलिंग डे पर भी सबसे बड़ी और मंजी हुई टीम देगी मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात। हर कास्ट होने वाला वोट और मुस्तनद नतायज आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। इलेक्शन के आगाज से इक्तदार की मुंतकली तक 24 न्यूज आपके साथ। बल्ले का इंतखाबी निशान वापस दिया जाए, पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में नजरेसानी अपील दायर कर दी। अदालत से 13 जनवरी का फैसला वापस लेने की इस्तदा, इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी निशान वापस लेने का फैसला भी कलअदम करार देने की अपील। दरख्वास्त में मौकिफ अपनाया कि सुप्रीम कोर्ट ने हकायक का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। महंगाई के सताए आवाम के लिए नया बोझ, गैस टैरिफ में मजीद 35% तक इजाफे की मंजूरी दे दी गई। इजाफे का इतलाक यकम जनवरी से होगा। सिंध और बलूचिस्तान के सार्फीन के लिए टैरिफ में औसत 8.5% इजाफा मंजूर। सुई नॉर्दर्न का टैरिफ 435 रुपये फी MMBTU बढ़ाने की मंजूरी। सुई नॉर्दर्न के लिए नया टैरिफ 1673 रुपये फी MMBTU करने की मंजूरी दी गई। पाकिस्तान में 6 अरब डॉलर तक सरमायाकारी की राह हमवार, काबीना तवानाई कमेटी ने ऑयल रिफाइनिंग पॉलिसी मंजूर कर ली। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल की जानिब से फैसले का खैर मकदम, नई पॉलिसी से रिफाइनरियां अपग्रेडेशन के मंसूबे शुरू कर सकेंगी। 5 से 6 अरब डॉलर की सरमायाकारी आएगी, मकामी पेट्रोल और डीजल की पैदावार में भी नुमाया इजाफा होगा। तरक्याती काम मोहसिन स्पीड से मुकम्मल, वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने रावलपिंडी सेफ सिटी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी एक शहर की नहीं पूरे सूबे की बन चुकी है। पंजाब के 737 थानों की भी तजीन और आराइश की गई। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी बिला मुकाबला चेयरमैन PCB मुंतखब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 37वें चेयरमैन हैं। 3 साल के लिए चेयरमैन PCB मुंतखब किया गया। सदर आज़ाद कश्मीर क्रिकेट सजाद खोकर बीमारी की हालत में पहुंचे, मोहसिन नकवी ने शुक्रिया अदा किया। कहते हैं क्रिकेट में सिफारिशी कल्चर नहीं चलेगा, पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर बनाना पहला हदफ है, बोर्ड के इंतजामात को दुरुस्त अंदाज में चलाना है। और पेरिस में हुस्न और रंगों के जलवे बिखर गए, यूनानी डिजाइनर सेलिया के मलबूसात की नुमाइश, सुपरस्टार नॉमी कैंपबेल के हमरा खुबरू मॉडल्स की रैंप पर एंट्री, देखने वाले दाग दिए बगैर ना।